इवोल्यूशन इवोल्यूशन चैप्टर के सबसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स है ओरिजिन ऑफ लाइफ. द अपीयरेंसेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ. अपीयरेंसेस मतलब धरती पे जो सबसे पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसी को क्या बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ. देन नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ फॉसिल. ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. देन नेक्स्ट इज होमोलॉगस. होमो का मतलब क्या होता है सेम और लॉगस का मतलब क्या होता है यहाँ पे एनालॉगस. ये लॉगस जो है स्ट्रक्चर हो गया एनालॉगस. एना का मतलब क्या होता है डिफरेंट. पहले हम होमोलॉगस पढ़ते क्या होता है. होमोलॉगस ऑर्गन दोस ऑर्गन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर प्लान बट लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. स्ट्रक्चर सेम फंक्शन इज डिफरेंट इज नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन. स्ट्रक्चर इज सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट इज नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन. देन नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन. एना का मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है. एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है दोस ऑर्गन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म सेम फंक्शन बट आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर. फंक्शन क्या होगा सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट. फंक्शन सेम एंड स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. जैसे कि बर्ड हो गई और बटरफ्लाई इनके पास जो इनका विंग पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन विंग का काम क्या होता है उड़ने का काम होता है. ठीक है इस तरह से इसमें हम बात करते हैं फोर लिम ऑफ मैन चीता इनकी बात करते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है पर ये क्या करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन क्या करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने फोर लिम से अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. स्पेशिएशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज. पुरानी किसी स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना उसे क्या बोलते हैं स्पेशिएशन. देन नेक्स्ट इज एडाप्टिव रेडिएशन. इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच अ कॉमन एंसेस्टर गिव राइज टू न्यू स्पीसीज. कॉमन एंसेस्टर का मतलब सेम एंसेस्टर नई स्पीसीज को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं दैट आर एडाप्टेड न्यू हैबिटेट जो कि नए हैबिटेट में अडाप्ट करता है और अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन. देन नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने बताया था. इट इज अ प्रोसेस अकरिंग इन नेचर दैट एक्ट ओवर अ नंबर ऑफ जनरेशन एंड स्लोली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ दोज इंडिविजुअल विच वर वेल अडाप्टेड. अडाप्टिव मतलब ये जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने बताया था इनका मेन क्या था इनका कहना था फिटनेस को इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस से रिलेट किया था. ये कहा था कि अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा और उतने ही अच्छे से स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे. जब कोई भी स्पीसीज को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाएगा वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेंगे तो उनका रिप्रोडक्टिव मतलब उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड बहुत अच्छा होगा जिससे वो नंबर ऑफ स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकते. तो मेन डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का उसका रिलेशन किससे था फिटनेस से उन्होंने रिलेट किया था और वो जो फिटनेस टर्म था उसको किससे रिलेट किया था मेनली उनका रिप्रोडक्टिव फिटनेस से ही उनका रिलेशनशिप था. देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. इट इज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ मैन टू सिलेक्ट अ बेटर ब्रीड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या किया जाता है प्लांट और एनिमल का सबसे बेस्ट ब्रीड बनाया जाता है ताकि वो किसके लिए यूजफुल हो सके ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल हो सके उसी को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन.